मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, हमने कल आपके हिंदी व्याकरण में पार्ट 6(1) और अनेक हमने पढ़ा था, जिसमें हमें देखा था कि जहाँ हमें एक वस्तु नज़र आती है तो वो हमारी एकवचन होती है, जहाँ पे बहुत सारी होती है उसको हम बोलते हैं बहुवचन। और इसका फर्स्ट पॉइंट भी हमने समझ लिया था कि इसमें हमें कलर कैसे करना है, इसमें हमें आपको रंग करना था बॉक्स में तो किस तरह से करना है। अब आज चलते हैं हम आपके नेक्स्ट पेज पे। इसमें देखिए, इसमें आपका प्रश्न दो है, इसमें बताया गया है चित्र देखकर एक या अनेक लिखिए। तो यहाँ हमें जो चित्र दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास छाते हैं 1, 2, 3 छाते हैं, तो ये एक से ज़्यादा हो गए, तो हमने क्या लिखा है, अनेक छाते। ये क्या है हमारा, एक ही है यहाँ पे, तो एक गुब्बारा। और ये टीवी के अंदर हमें मछलियाँ दिख रही हैं, अब मछलियाँ बहुत सारी है तो हमने लिख दिया अनेक मछलियाँ। और ये है हमारी एक तितली। अगला प्रश्न है आपका, फूल और पत्ती में से पत्ती से एक और अनेक शब्द छांटकर लिखिए। इसमें हमें जो ये फूल दिया गया है, इसमें जो भी शब्द लिखे हुए हैं वो एक है या अनेक है हमें अलग अलग करने हैं। तो जो एक है शब्द, जैसे चूहा, चूहा को एक चूहा होगा तो हम चूहा ही बोलेंगे, और बहुत सारे होंगे तो चूहे बोलेंगे, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। घोड़ा, पेड़, कबूतर, खरगोश, ये इनमें से मैंने छांट कर लिखे हैं, चूहा, घोड़ा, पेड़, कबूतर, खरगोश। अब जो अनेक शब्द हैं वो आप लोग यहाँ पे लिखें खुद, इसमें से छांट के वो आपको यहाँ लिखने हैं, इस फूल में से, उन पत्तियों में से अनेक जो शब्द आ रहे हैं वो आपको इधर लिखने हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, एक के अनेक लिखिए। तो इसमें हमें एक से अनेक शब्द बनाने हैं, जैसे ताला का क्या हो जाएगा, एक ताला, तो बहुत सारे होंगे तो ताले, एक होगी तो औरत और बहुत सारी होगी तो औरतें, एक होगी तो गाड़ी और बहुत सारी होगी तो गाड़ियाँ हम ऐसे बोलेंगे। वैसे आपको ये शब्द भी खुद से ही बनाने हैं, आप बुक में भी करें इसको और कॉपी में भी करें। जैसे पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें, चिड़िया का चिड़िया, लकड़ी का लकड़ी, बस का बस, मोजा का मोजे, बस का बसे, मोजा का मोजे, रास्ता का रास्ते। और ये लकड़ियाँ, चिड़ियाँ और पुस्तकें, बस, मोजा, रास्ता, इन सब के जो आपको बहुवचन बनाने हैं तो आप चाहें तो एक बार इधर भी ढूंढ लें, अपनी बुक में भी आपको मिल सकते हैं, आपके इसी पाठ में भी आपको इनमें से कुछ शब्द मिल सकते हैं, तो देख के भी आप लिख सकते हैं, सीखने के लिए आएगा आपके। ताकि आगे है आपका फिफ्थ पॉइंट, चित्र देखिए और कोष्ठक में दिए शब्दों की मदद से वाक्य पूरे कीजिए। अब हमें यहाँ चित्र देख के वाक्य पूरे करने हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे एक लिखा था और ये आपका खाली स्थान यहाँ दिया गया था, तो एक के लिए हम लड़का लिखेंगे, लड़के लिखेंगे, दोनों शब्दों में से कौन सा यूज़ करेंगे, लड़का। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, और दो हो गए तो एक से ज़्यादा हो गए, तो दो लड़के गेंद खेल रहे हैं, हमने ऐसे लिखा है। वैसे ही आपको ये भी फिल करने हैं। आगे है आपका रचनात्मक कार्य, इसमें चित्र देखकर सही संख्या लिखिए। जो चित्र दिखाई दे रहे हैं हमें, उनको हमें काउंट करना है, गिनना है, और उसकी संख्या हमें लिखनी है। जैसे ये मटका कितना है, एक, तो हम यहाँ एक लिखेंगे। ये काम भी आप लोगों को बुक में खुद करना है। किताबें कितनी है आपकी, 1, 2, 3, 4, तो आपको यहाँ 4 लिखना है। ये घंटियाँ कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो आप यहाँ 5 लिखें। और 1, 2, 3 कितने हैं, ये 3 हैं, ये तो आप यहाँ 3 लिखें। इसमें आपको एक या अनेक शब्द नहीं लिखना है, आपको ये कितने हैं इनको गिन के इनकी काउंटिंग लिखनी है, आप इनका नंबर लिखना है। तो आज आप होमवर्क में क्या क्या करेंगे, पॉइंट 2 आपको बुक में करना है, पॉइंट 2 आपको बुक में ही फिल करना है आपका। पॉइंट 5 भी आप बुक में ही फिल कर लें, और ये रचनात्मक कार्य भी आप बुक में फिल कर लें। और आपका पॉइंट 3 और 4 आपको ये दोनों अपनी बुक में भी करने हैं और अपनी कॉपी में भी करने हैं।